उधर गोहाना में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और ये ताजा मामला जो सामने आया है वो जींद रोड मुंडलाना ब्लॉक से सामने आया है, जहां चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के ताले तोड़कर दुकानों में रखा हजारों रुपए का सामान जो था और इसके अलावा नकदी भी लेकर ये फरार हो गए। हालांकि चोरी की ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें 2 चोर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश की जा रही है। ये जींद रोड पर दुकान है भाई साहब, अपनी ये सीसीटीवी कैमरे में आ दे, सीसीटीवी कैमरे वाईफाई की, ये ब्लॉक के सामने ब्लॉक वाली दुकान है। इनमें सुबह 5 बजे 2 बंदे आए हैं दोनों दुकानों पर, इन पर अरे की यहाँ साथ में लगती एक और है टुकड़िया वाली दुकान, उन पर भी ताला तोड़ा है और हमारियों का भी ताला तोड़कर बहुत कीमती सामान था उसमें से एक बैग था, हमारा बैग में कागज थे हमारे कुछ ओरिजिनल, उसमें से वो कागज ले गए हैं। और ताऊ है चाय वाला जो साथ वाली दुकान में, उसमें से 5-6 हज़ार रुपये निकाल के ले गए हैं। मैं अपने घर पर सो रहा था, सवेरे अपने दुकान खोलने के लिए आया तो मैंने देखा तो मेरे दोनों ताले टूटे पड़े हैं, तो मैंने अंदर जाकर देखा था मेरा कुछ वो सामान भी। कितना नुकसान है? लगभग 7 हज़ार के आसपास का नुकसान। कैश था? हाँ, 52-53 हज़ार रुपये कैश था, बाकी सामान। किस नाम से दुकान है? मेरा नाम महावीर सिंह, शास्त्री नाम से जानते हैं। तो कितने दुकान में चोरी हुई? 2 हुई फिलहाल, तो एक उधर हुई, 3 हुई।